और हमें तस्वीरें मिल रही है प्रदेश भाजपा कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है और वहां पर दिखाई दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक। जैसा कि हमने आपको बताया अर्चना वर्मा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है और देखिए ज्वाइनिंग के लिए आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक को, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को जो कि शाहजहांपुर से ही आते हैं, और क्या जेपीएस राठौर भी हैं देखना होगा। तो सभी लोग अपना स्थान ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और ऐसा लगता है कि जो इनिशियल वर्ड्स हैं, जो शुरुआती संबोधन होगा वो बहुत ही बृजेश पाठक का होगा। हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा होता जा रहा है। इसी क्रम में शाहजहांपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अर्चना वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के आज और अभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। मित्रों, आज का ये जो सदस्यता ग्रहण का निर्णय है, क्योंकि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन यह निर्णय माननीय केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रदेश नेतृत्व के सहमति के बाद होता है और आज की इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय एवं परिश्रमी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री बृजेश पाठक जी पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि तय हुए हैं, जो आपके सामने समुपस्थित हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री, पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता जो अपने पूरे जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे हैं, ऐसे माननीय वित्त मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी की गरिमामय उपस्थिति है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह जेपीएस राठौर, जिनको जयंत प्रताप सिंह राठौर, और इसी के साथ इस शाहजहांपुर जिले के प्रभारी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं मुख्य अतिथि माननीय बृजेश पाठक जी से निवेदन करता हूं कि आप पटका पहना करके और पुष्पगुच्छ दे करके श्रीमती अर्चना वर्मा जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। माननीय बृजेश पाठक जी, माननीय खन्ना जी को भी पटका दीजिए। अर्चना वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, देखिए, और ज्वाइन कराया गया है उनको उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के द्वारा। पटका पहनाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का और उसके बाद पुष्पगुच्छ दिया यानी कि बुके दिया, और इस दौरान वहां पर सुरेश खन्ना जो के उसी क्षेत्र से अनेकों बार विधायक रहे हैं, मंत्री हैं। माननीय बृजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के नेता हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वह दो शब्द इस अवसर पर जो है रखन दो शब्द जो है विषय रखने की कृपा करें माननीय बृजेश पाठक जी। बहुत बहुत आभार मित्रों, आभार संजय जी, मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अल्प समय की सूचना पर बड़ी संख्या में इस ज्वाइनिंग को कवरेज करने के लिए आए हैं। मौसम भी अच्छा हो गया है और बात भी बहुत अच्छी है, मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाहजहांपुर से चलकर के आई बहुत ही वरिष्ठ नेता और राजनीतिक परिवार की सदस्य आदरणीय बहन अर्चना वर्मा जी का स्वागत करता हूं। अर्चना बहन वर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अर्चना वर्मा जी का पूरा परिवार बड़ा राजनीतिक परिवार प्रदेश का रहा है और शाहजहांपुर में मैं कह सकता हूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका हमेशा अर्चना वर्मा जी के परिवार ने निभाई है। जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, इसके अलावा आदरणीय अर्चना वर्मा जी के पतिदेव
पूर्व प्रत्याशी ददरौल विधानसभा के रहे समाजवादी पार्टी से, जो अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, और अर्चना वर्मा जी के जो ससुर थे स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जी, प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम था उनका, वो दो बार सांसद रहे, चार बार के विधायक रहे, दो बार मंत्री रहे, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाला है उसमें शाहजहांपुर से आदरणीय अर्चना वर्मा जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रीति नीति है उससे ये बहुत दिनों से अपने आप को दुखी महसूस कर रही थी, उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी, जो महिलाओं के साथ, जो बहनों के साथ, जो माताओं के साथ अत्याचार अनाचार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान हुआ है, लगातार इनके मन में पीड़ा थी, इस पीड़ा को अंदर अंदर एक घुटन महसूस लंबे अरसे से कर रही थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम देश में राष्ट्रवाद को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि सभी लोग जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित और मजबूती के साथ करना चाहते हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि बहन अर्चना वर्मा जी को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देंगे। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर हम सब साथियों ने इकट्ठा होकर के हमारे साथ आदरणीय संजय जी, आदरणीय ब्रज बहादुर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश खन्ना जी, आदरणीय JPS जी और हमारे प्रदेश के नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय राम प्रताप सिंह जी हैं, हम सब लोगों ने एक साथ बहन अर्चना वर्मा जी को पार्टी ज्वाइन की है। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से बहन अर्चना वर्मा जी का स्वागत करते हैं, और इनके साथ जो टीम के सदस्य आए हैं शाहजहांपुर से पार्टी में, बड़े संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी तय किया है कि अर्चना वर्मा जी के साथ हम पार्टी का काम करेंगे, BJP का काम करेंगे, हम सभी का स्वागत करते हैं और अर्चना वर्मा जी को भरोसा दिलाते हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हर तरह से पार्टी आपके साथ है, आप जनसेवा में जुटे और पूरी तरह से शाहजहांपुर में जो पार्टी के दिशा निर्देश है, पार्टी की रीतियां नीतियां हैं, उस अनुसार काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। ये निर्णय हमारा नेतृत्व करेगा, इस पर विचार करेगा, अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। एक मिनट, माननीय खन्ना जी भी दो शब्द बोलेंगे, उसके बाद प्लीज दो मिनट। बहुत ही वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश खन्ना जी से निवेदन है कि वो अभी दो शब्द जो है कि बोलने की कृपा करें। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी अपने पत्रकार मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मंचा सिंह आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय श्री JPS राठौर जी, जो उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री हैं, आदरणीय श्री ब्रज बहादुर जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और शाहजहांपुर के प्रभारी, आदरणीय श्री संजय राय जी, आदरणीय श्री राम प्रताप जी और बहन अर्चना वर्मा जी। आज जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको बताया, हम शीर्ष नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य करते हैं और उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया, और बहन अर्चना वर्मा जी को भी इस बात के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने काफ़ी साहस करके अपने आप को समाजवादी पार्टी की गतिविधियों से दूर रखने का जो उनका मन था उसको उन्होंने आज चरितार्थ किया है। आज विशेष रूप से ये परिवार न केवल शाहजहांपुर, न केवल रुहेलखंड, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्षितिज पर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और श्रीमती अर्चना वर्मा जी के जो फादर इन लॉ थे वो 89 में सबसे पहले विधानसभा के सदस्य बने और उस बार उपमंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने हमेशा किसी न किसी सदन के वो सदस्य रहे, चाहे वो विधानसभा के सदस्य रहे हों या लोकसभा के सदस्य रहे, तो चार बार विधायकी और चार बार उन्होंने सांसदी, चार चार बार विधायकी और दो बार सांसद रहे,
और इसके साथ दो बार मंत्री भी रहे। एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहा है, इसके लिए हम विशेष रूप से नेतृत्व के आभारी हैं। बहन अर्चना वर्मा जी ने जिस प्रकार से जो कुछ उन्होंने कहा है कि हम गुटबाजी से परेशान होकर और हर तरह से राष्ट्रवादी शक्तियां और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो उनकी पॉलिसी है, चाहे वो स्मार्ट सिटी की पॉलिसी हो, चाहे वो शहरों को साफ सुथरा रखने की हो, या चौराहों को चौड़ीकरण की हो, या रोड्स को वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग की हो, और हर प्रकार से जितने भी आयाम हैं इसके, उन सभी आयामों पर उन्होंने इसमें संतोष भी व्यक्त किया और इस बात की खुशी भी जाहिर की कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़कर हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और नेतृत्व ने इसी आधार पर उनको आज भारतीय जनता पार्टी के लिए चुना है, भारतीय जनता पार्टी के का सदस्य बनाया है। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान हमेशा सही मार्ग दिखाए, सद्बुद्धि दे, ताकि वो और अधिक जनसेवी भावना से समाज की और देश की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर ये देखिए, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अर्चना वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी मेयर की, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और इसकी बाकायदा घोषणा की गई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इनिशियल रिमार्क्स दिए, स्वागत किया और उसके बाद की बातें आपने सुनी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।